डॉक्टर संदीप, कई बार जो डिप्रेशन की बीमारी होती है, हालांकि सुशांत का बकायदा इलाज चल रहा था, उनकी पूरी की पूरी फाइल पुलिस ने उनके घर से ले ली है और पूरे मामले की तफ्तीश जारी है, लेकिन डिप्रेशन को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है जितनी की दूसरी बीमारियों को हम लेते हैं। पिता उनके पटना में अकेले रहते हैं, उनकी माँ का 2002 में निधन हो गया था। सुशांत के अलावा उनकी तीन बहनें थीं, क्योंकि एक उनकी चौथी बहन की पहले ही जान जा चुकी थी, और जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उनके पारिवारिक जिंदगी में, मुंबई में उनके करियर में हम सब ने देखे, बहुत सारे नाम भी उनके साथ जुड़े। फिलहाल मैं आपके पास आऊंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो अपने दर्शकों को हम इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, साथ ही अब सचिन तेंदुलकर की ओर से भी, राजनाथ सिंह की ओर से भी, उद्धव ठाकरे ने भी अपनी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ व्यक्त की हैं, वो ट्वीट भी दिखाया जाए। सुशांत सिंह राजपूत एक शानदार युवा एक्टर, टीवी और फिल्मों में बेहतरीन काम, उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में कई लोगों को प्रोत्साहित किया, उनकी मौत से स्तब्ध हूं, मेरी संवेदना उनके परिवार और फैंस के साथ है, ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के जरिए सुशांत को याद किया, उनके बेहतरीन करियर का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही उनके परिवार और फैंस के प्रति अपनी संवेदना भी इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री ने जताई है। उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं उनके पिता के लिए, उनके परिवार के लिए जताई है, क्योंकि हर कोई हैरान है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। एक बार फिर से आपका रुख करते हुए डॉक्टर कपिल, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। डॉक्टर संदीप वोहरा, डिप्रेशन को गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं या इसको एक बड़ी बीमारी के तौर पर नहीं लिया जाता है, इस तरह की क्या अवधारणा है हमारे समाज में और फिर उसके परिणाम होती है? जी बिल्कुल, देखिए एक ही बात समझने की जरूरत है सबको कि डिप्रेशन में लोग समझते इसलिए नहीं है कि डिप्रेशन में देखने से व्यक्ति नॉर्मल लगता है या वो कोई ऐसा साइन नहीं होता कि उनको लगे कि कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर, जब तक कोई व्यक्ति उल्टी सीधे हरकतें ना करे तो लोगों को लगता है कि इसको कोई दिक्कत है नहीं। बट डिप्रेशन इतना ज्यादा साइलेंट, इतना बड़ा साइलेंट किलर है कि हमें समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कभी भी कहता है, हमें ये चीज हमको सबको समझनी चाहिए कि हमारे घरों में हमारे लव्ड वंस के साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी का भी जरा सा बिहेवियर चेंज होता है या किसी के अंदर कोई भी लक्षण है तो सबसे पहला स्टेप है उससे बैठ के मन की उसकी बात को समझना। सेकंड स्टेप, अगर हमें लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो बेझिझक होकर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। डिप्रेशन एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। अब इस तरह के केस में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को समझना कि आज की डेट में स्पेशली पेंडेमिक के बाद, जब से COVID-19 आया है, एक नॉर्मल व्यक्ति इतना ज्यादा अपने आप को परेशान समझ रहा है तो एक व्यक्ति जो कि अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात माने तो समझे तो वो 6 महीने से अगर उनको प्रॉब्लम थी तो हमारे सामने COVID-19 को भी 3 महीने हुए हैं। बिल्कुल, इसका मतलब जो उनका मेंटल स्टेट पहले चल रहा था COVID-19 के बाद चांसेस हैं कि वो वर्सन हो गया। क्यों? क्योंकि आप जब डिप्रेस स्टेट में होते हो आपको लगता है यार अब तो मेरी पिक्चर बनेगी नहीं, अगर पिक्चर आती है तो वो पता नहीं कैसे चलेगी, पता नहीं लोग आएंगे नहीं देखेंगे, तो वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो उसकी एक लड़ी बनती जाती है जब तक कि आप मन और की, उसको तोड़ने की बहुत जरूरत है। लोगों को इस बात को समझना होगा और किसी को भी जो भी इस तरह के कदम उठाते हैं, अब कि हर एक समस्या का समाधान है, अगर समस्या आई है तो उसका समाधान भी बिल्कुल उसी तरह से मुमकिन है, बस कोशिश उसके लिए करनी पड़ती है। फिलहाल आज तक कुछ सवाल यहां पर खड़े कर रहा है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की, हर किसी के मन में इस वक्त यही सवाल है। क्या मानसिक दबाव में थे सुशांत सिंह राजपूत, और अगर मानसिक दबाव था तो उसके पीछे की बड़ी वजह, बड़े कारण क्या थे? मानसिक दबाव में थे तो इसकी वजह क्या थी, क्योंकि उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, यानी कि इस समस्या से वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से जूझ रहे थे और बाकायदा इसका इलाज कर रहे थे। मां की मौत के सदमे से क्या उबर नहीं वो पाए थे, हालांकि उनकी मां की मौत साल 2002 में हुई थी, 2008 से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, पहले छोटे पर्दे के वो बड़े स्टार बने और उसके बाद बड़े पर्दे पर भी उन्होंने उतनी ही बड़ी कामयाबी हासिल की। 34 साल का करियर कोई बहुत बड़ा, 34 साल की उम्र उनकी थी, 34 साल में उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में वहां पर पटना बिहार से एक लड़का जाता है और बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े लोगों के बीच अपनी इतनी बड़ी पहचान बना लेता है। इतना आसान ये सब नहीं होता है, यानी कि एक जुझारू प्रवृत्ति रही होगी सुशांत की, तो आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली? क्या कोई पारिवारिक तनाव था, क्या रिश्तों में किसी
तरह का दरार या खटास थी या करियर, हालांकि करियर को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोगों से हमारी बातचीत हो रही है बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि करियर में किसी तरह का अप्स एंड डाउन, क्योंकि उनकी फिल्में भी लगातार हिट हो रही थी और उनके पास काम की कम से कम कोई कमी नहीं थी। हम सीधे रुक कर लेते हैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ का, जो कि मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर कपिल, कई बार हमने देखा है बॉलीवुड में या जो भी बहुत हाई प्रोफाइल पोस्ट होते हैं, इमेज बनाने के चक्कर में बहुत सारी बातें, बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर अंदर हम दुखी होते हैं, हम रो रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के चक्कर में हमको मुस्कुराना पड़ता है। क्या एक इस तरह की भी स्थिति है बॉलीवुड की, ये एक ग्रे एरिया है वहां का? देखिए, मैं उससे पहले एक बार ये सुशांत का जो अनफॉर्चुनेट ये डिमाइस हुआ है, इसमें मैं ये आपको एक कहना चाहूंगा कि इनका एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन तो चल रहा था, है ना? तो ये जा रहे थे साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, ट्रीटमेंट चल रहा था। पर ये जो कोविड का पिछले 2-2.5-3 महीने का जो टाइम आया, मुझे ऐसा लगता है कि इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वहां पे अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलने की। तो वो वाली जो फीलिंग्स इनकी पेंट अप हो रही थी अंदर ही अंदर, जिनको वो शेयर करते या उनको मेडिकेशन चल रही होगी, वो मेडिकेशन को मॉनिटर होती, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सब चीजों में एक तरह का ब्रेक आ गया। और जब वो ब्रेक आ गया और ऊपर से वो एक कन्फाइनमेंट में थे, जैसे हम सब कन्फाइनमेंट में थे, तो वो कहीं ना कहीं पेंट अप होता गया और वो वाली चीज उनसे संभली नहीं। हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक हम्बल बिगनिंग जो सुशांत राजपूत ने करी, जो बड़े हम्बल फैमिली से आते थे, कोई उनके ऊपर कोई इतना कोई सेलिब्रिटी बैगेज नहीं था, और 2002 में उन्होंने अपनी मदर को लूज किया, तो उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा। तो यहाँ पे आश्चर्य बिल्कुल होता है कि जिस आदमी ने इतना सब कुछ देखा हो, उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक रेजिलियंस डेवलप हो जाती है। पर मैं इसको एक और चीज से जोड़ता हूँ कि मुझे लगता है ऐसा, मैं भी कहीं और न्यूज चैनल में ये सुन रहा था। डॉक्टर कपिल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन यहां पर मैं सीधे आपका रुख करते हुए डॉक्टर संदीप वोहरा, जो बातें कपिल कक्कड़ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर कपिल, आपकी बात रह गई थी, लेकिन मैं एक सवाल भी आपसे जल्दी से पूछ लेती हूँ। मेरा सवाल सर ये है, आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो घर में कैद हो गए थे, कहीं बाहर नहीं चले गए थे। सर, कोई गांव होता या कोई और जगह होती तो इस बात को थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते थे। मैं आपकी बात से थोड़ा इतर जाते हुए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत, जिनके पास ना टेक्नोलॉजी की कोई कमी थी ना पैसे की कोई कमी थी, मुंबई जैसी जगह पर वो रहते थे, उनके पास वीडियो कॉल का ऑप्शन था, उनके पास मोबाइल फोन की अवेलेबिलिटी थी, किसी भी डॉक्टर को वो फोन करते, वो तुरंत उनकी समस्या का समाधान कर देता। जैसे अभी संदीप वोहरा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जब आदमी डिप्रेशन में होता है ना, वो इस तरह के इनिशिएटिव नहीं ले सकता। वो ये नहीं सोच सकता कि मैं अभी बात करूंगा, मैं साइकेट्रिस्ट से बात करूंगा, और आप फोन पे कितनी बात कर सकते हो, वो आपको कितना समझ सकते हैं, आप कितना इनिशिएटिव ले सकते हो, फोन तो आप एक मिनट में डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। बहुत सारे इस टाइम जो फ्रस्ट्रेशन आदमी के अंदर होते हैं, वो आप टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा मीडियम है, पर वो टेक्नोलॉजी जो इमोशनल पेंट अप फीलिंग्स है, उसको आप नहीं कर सकते। उसके लिए फेस टू फेस आपको किसी डॉक्टर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से मिलना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो उनका एक फेस था, वो एक बहुत बड़ा कारण था। और मैं आपको एक और चीज उस टाइम ये कह रहा था कि जिसने, तो ये जो इनका रिलेशनशिप था, मैंने एक और कई जगह सुना कि इनकी जो सेक्रेटरी है, उन्होंने कुछ टाइम पहले सुसाइड किया है, आज से 15-20 दिन पहले, हालांकि वो पूर्व सेक्रेटरी थी। तो अब सवाल ये है कि इनका कहीं ना कहीं इस टाइम इनकी लाइफ के अंदर इतना चल रहा था, और बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन ये अपनी चीजों को ठीक प्रकार से, ठीक जगह नहीं पहुंच पाए, और ये बहुत बड़ा मुझे कारण लगता है इतना बड़ा स्टेप लेने का। और एक और चीज मैं कहूंगा, मैं बहुत जगह आज देख रहा हूँ बॉलीवुड में, जो आपने मेरे से पहले सवाल पूछा था कि हम तुम्हारे साथ थे, हमसे शेयर करिए, देखिए फैक्ट ऑफ द लाइफ इज कोई किसी के साथ नॉर्मली नहीं होता है। जब कोई चला जाता है तो हम ये बहुत बातें करते हैं, बट जब जिसको जरूरत पड़ती है, वो भी अपने पर्सनल क्लोज वंस को क्यों नहीं बताता? क्योंकि उसको लगता है लोग मुझे जज करना शुरू कर देंगे, उसको लगता है कि लोग कहीं ना कहीं मेरे से दूर हो जाएंगे, लोग मेरी बातें कहीं ना कहीं ना करना शुरू कर दें, कल को मेरे बारे में मैगजीन में ना आना शुरू हो जाए कि सुशांत राजपूत डिप्रेशन में है। तो इसके बहुत सारे इसकी कॉम्प्लिकेशन और इसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं। तो इतना आसान नहीं है कह देना कि इन्होंने इससे नहीं बात करी, उससे नहीं बात करी, बॉलीवुड इनके साथ था। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक और चीज बता दूं, बॉलीवुड जितना आपको संवारता है, उतना ही वो एक तरह से इमोशनली आपसे डिस्कनेक्टेड भी है। तो ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है बॉलीवुड, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
तो जब तक आप अच्छा कर रहे हैं, जब तक आपके साथ लोग हैं वो आपके साथ है। अगर आप ईस्ट ईयर्स, राजेश खन्ना, इतने बड़े बड़े आप स्टार्स को देखेंगे, वहां पे भी आपने बहुत सुना होगा कि वो लोग भी डिप्रेशन में चले गए थे और उनको कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं था, और जो लोग पब्लिक आई में घिरे हो उनको तो वैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। लेकिन सुशांत के साथ इस तरह की कोई दिक्कत भी नहीं थी? उनके हाल की फिल्म छिछोरे, जो कि सुसाइड केस पर ही आधारित थी, उस फिल्म में उन्होंने शानदार काम किया था और हर किसी ने सुशांत की जमकर तारीफ की थी। एक बेटे के पिता वो बने थे, एक कॉलेज बॉय के साथ ही उन्होंने एक बुजुर्ग तक का किरदार उस फिल्म के भीतर निभाया था, और सुसाइड नहीं करनी चाहिए इसको लेकर युवाओं को समझाते हुए वो नजर आए थे उस फिल्म में। वो उनकी एक ऐसी फिल्म जिसने बहुत सारे युवाओं के मन से सुसाइड को लेकर भ्रम को दूर किया होगा, लेकिन वही सुशांत जो उस किरदार को जीवंत कर रहे हैं बड़े पर्दे पर, वही उस तरह का कदम उठा लेंगे किसी ने सोचा नहीं था। मैं सीधे आपका रुख करते हुए डॉक्टर संदीप वोहरा, बहुत सारे कयास इस वक्त ही हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि अभी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और मेन वजह क्या है ये डिटेल्स बाद में ही आएंगी जब पुलिस की तफ्तीश पूरी हो जाएगी। लेकिन बीती रात ही कुछ दोस्त उनके साथ उनके फ्लैट पर मौजूद थे, आपस में लोगों ने बातचीत की होगी। यकीनन जब दोस्तों के बीच में हम मौजूद होते हैं तो अपनी बहुत सारी बातें जो हमारे दिल में जहन में होती हैं उसको हम शेयर करते हैं, और कहा जाता है कि शेयर करने से आपके अंदर की जो भी तकलीफ, दुख या भड़ास होती है वो निकल जाती है। तो अगर ऐसा भी उन्होंने किया हो उसके बाद इस तरह का कदम, डॉक्टर संदीप? देखिए ऐसे, जी जी जी, देखिए डिप्रेशन, आप ये समझिए कि डिप्रेशन ऐसी स्टेट है जिसमें हम बोलते हैं कॉग्निटिव ट्रायड, आइडियाज ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड सेल्फलेसनेस, ये आते रहते हैं और इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो आप जितना मर्जी समझा दीजिए मरीज को, हर चीज जो है, पेशेंट को हर चीज नेगेटिव लगेगी, हर वक्त लगेगा कि देखिए अगर उसको समझाया भी जाए तो क्योंकि उसकी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल नेगेटिव है, वो अपने आप को उस चीज से निकाल नहीं पाएगा। रही बात जो इन लोगों की, जो इनके फ्रेंड्स थे, ये अब हमें पता नहीं उनकी क्या बातचीत हुई, बट बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि कई बार जो पेशेंट है वो अपने मन की बात सिर्फ सिलेक्टेड कुछ लोगों से करते हैं, या जो लोग आके बैठे हैं उनमें से उनको कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट नहीं है तो वो मन की बात शेयर नहीं करते, या अगर वो बैठे और उन्होंने शेयर की ये बात तो उसको लाइटली लिया गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने पहले सुसाइडल थॉट्स के बारे में जिक्र किया हो, जो कि उनके फैमिली मेंबर्स या उनके ट्रीटिंग साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं। अगर किया गया तो वो अगेन एक एक ऐसा इंडिकेटर होता है कि ये व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि जो डिप्रेशन है उसकी डिग्री जो है वो वेरी करती है, और उसके लिए चुकन्ना रहना पड़ता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हो। तो वो जो चीज है वो शायद इस केस में मिस की गई, या लोग, या ये भी हो सकता है कि जो सुशांत सिंह है वो